सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे जीव विज्ञान टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम बायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मानव शरीर के अंतर्गत पाचन तंत्र को कवर करेंगे। इस क्लास में मैं आपको 50 प्लस पाचन तंत्र के जो रेलवे के पिछले 10 वर्षों में अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ कवर कराऊंगा। ये क्लास आपकी सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस क्लास से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि ये टॉपिक आपके कवर है तो आज की क्लास में आपका फर्स्ट डिवीजन होगा और इंपॉर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन कवर करने को मिलेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट्स से लगभग इस क्लास से आपको मैं 150 प्लस क्वेश्चन कवर कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ट्रिप्सिन। अग्नाशय से कितने प्रकार के एंजाइम स्त्रावित होते हैं अब हम ये कवर करेंगे और किस एंजाइम का काम क्या है इसको कवर करेंगे। इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अग्नाशय से रस में बच्चों तीन प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। नंबर एक ट्रिप्सिन, अति महत्वपूर्ण है आपका। यह प्रोटीन एवं पेंटोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीलो अम्ल में परिवर्तित करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा एंजाइम आपका प्रोटीन और पेंटोस को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। एग्जाम में कम से कम 10 बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ट्रिप्सिन होता है जी। एक नंबर दो आपका होता है एमाइलेज का काम क्या होता है? यह मान जिसे स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। नंबर थर्ड होता है आपका लाइपेज, यह इम्लिसिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित करता है। ऐसे ही इस क्लास में आप 150 प्लस क्वेश्चन कवर करने वाले सभी क्वेश्चन जीव विज्ञान के आपके अति महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक आपका सभी आगामी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैं आपको भौतिक विज्ञान कंप्लीट करा चुका हूँ। बेहतरीन क्लास आपकी रेलवे के अकॉर्डिंग जितने भी आपके एग्जाम में साइंस का पोर्शन आते हैं कंप्लीट करा चुका हूँ। एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देखना। केमिस्ट्री में आपकी कंप्लीट करा चुका हूँ और ये हमारी जीव विज्ञान की सीरीज लगातार चलती आ रही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है जी। इसका वजन कितना होता है? 1.5 केजी से लेकर 2 केजी के मध्य होता है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर ही हमारे शरीर में जो जहरीले पदार्थ अवशेषित होते हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यकृत। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है। यदि आपके सामने कोई स्वादिष्ट भोजन होता है तो मुंह में पानी आ जा देखते ही, जैसे गुलाब जामुन देखते ही या किसी को पनीर देखते ही या पकौड़े देखते ही वो जो मुंह में से पानी आता है उसका कारण क्या होता है बच्चों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्नायु संबंधित प्रक्रिया होती है जी। कैसी होती है? स्नायु संबंधित प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर फोर, मानव में पित्त का स्त्राव होता है, कैसे होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यकृत में। कहाँ होता है जी? यकृत में। क्वेश्चन नंबर सिक्स, बाइल का स्त्राव होता है। बाइल का स्त्राव होता है कहाँ पर होता है बच्चों? जिगर से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, जिगर से होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है? क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, खरगोश की होती है जी। किसकी होती है? खरगोश की। जो आपके जानवर है ना बच्चों, जानवरों में लोमड़ी, बाघ, कुत्ता, खरगोश में खरगोश की आंत अपेक्षाकृत सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आठ, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान खाली स्थान से कम होता है। मान लें बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके दांतों में से ना सड़न आती है बहुत ज़्यादा। जो सड़न आने का कारण है वो जो पीएच मान है वो किससे कम होता है तब सड़न आनी स्टार्ट होती है। राइट आंसर होगा आपका 5.5 से कम जब पीएच मान होगा मुंह का पीएच मान तब आपका सड़न आनी दांतों से स्टार्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है प्यारे बच्चों? जब भोजन के अवशेष मुंह में बने रहते हैं और तो बच्चों क्या होता है मुंह में उपस्थित जो बैक्टीरिया है ना भोजन को सड़ाकर अम्ल उत्पन्न करते हैं जिससे क्या होता है दांतों की सड़न शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नाइन, निम्न में से खालिस्तान ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, कौन करते हैं बच्चों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वसा करती है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दस, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन नंबर दस का आपका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी स्कर्वी होगा जी। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, इसकी कमी से ना मसूड़े सूज जाते हैं, दांत गिरने लगते हैं, और विटामिन सी जो आपका है का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक एसिड। सभी विटामिन के रासायनिक नाम एक लाइन की ट्रिक से याद करेंगे, रत पर टोपी, रेसा आपका रेटिनोल, थैसा आपका थाइमिन, परनी बच्चों रत एक टोपी, ए था आपका एस्कोर्बिक एसिड, कैसे कैल्सोफेरोल, टैसे टोकोफेरोल, फिजे फिलोकोविनोल, ए बी सी डी ई के, डायरेक्ट सभी के याद हो जाएंगे एक लाइन से। क्वेश्चन नंबर 11, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी नहीं बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, विटामिन बी का अच्छा स्रोत है जी केला। केले में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन बी सिक्स होता है जी, बी सिक्स 33% होता है। क्लियर है जी? केला विटामिन सी का भी एक अच्छा स्रोत होता है। इसके साथ केले में विटामिन ए, लोहा और फास्फोरस भी पाए जाते हैं, लेकिन 33% क्या होता है विटामिन बी सिक्स। क्वेश्चन नंबर 12, मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल किस विटामिन का संवर्धित स्रोत है? मतलब मछली के तेल में कौन सा विटामिन होता है, पूछा है डायरेक्ट। मछली के तेल में कौन सा विटामिन आपका होता है, ये डायरेक्ट आपसे पूछा है। वो तो थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दी, जिस वजह से थोड़ा आपको क्वेश्चन थोड़ा अलग सा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट ये पूछा है, मछली के तेल में कौन सा विटामिन होता है। ऐसे क्वेश्चन बच्चों विटामिन के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आपको अच्छी तरीके से कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम में भी लगातार आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपको बताना है विटामिन सी होगा, विटामिन डी होगा, विटामिन बी ट्वेल्व होगा, या आपका विटामिन बी वन होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा, उस विटामिन का नाम क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी विटामिन के। विटामिन के की कमी से है ना बच्चों अत्यधिक खून बहता है, इस विटामिन का नाम क्या है बच्चों? फिलोक्विनोनोन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है आपको बताना है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी आपकी होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कवासीओरकर। क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर 16, एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया हेलोमोन है, जानवर के द्वारा निस्सारित किया गया एक हेलोमोन है बच्चों, क्या है? एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है। क्वेश्चन नंबर 17, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एवं वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसकी कमी से रिकेटस बीमारी होती है? निम्न में से किसकी कमी से रिकेटस बीमारी होती है? राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है बच्चों। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतुंधी। क्या होता है? रतुंधी। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। क्वेश्चन नंबर 19, पेयजल आपूर्ति में पॉलीफॉर्म की उपस्थिति खाली स्थान का लक्षण है, किसका लक्षण है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मानव अवशिष्ट से संदूषण। क्वेश्चन नंबर 20, मेटाबॉलिज्म चयापचय संबंधित है, किससे है जी? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों से। शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रियाएं, सरल अणुओं के से जटिल अणुओं का संश्लेषण और उपचय और उपाचय है। क्वेश्चन नंबर 21, शरीर के किस भाग में पित्त रस बॉयल जूस का उत्पादन होता है? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यकृत में होता है जी आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है? आंसर बताइएगा 10 सेकंड का समय।
राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी पित्त। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नहीं बच्चों, बी, हृदय। क्वेश्चन नंबर 24, दांत का एनिमल किससे बना है? बच्चों जो दांत होते हैं उनका एनिमल किससे बना है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम फास्फेट। क्वेश्चन नंबर 25, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 26, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कैलोरीज द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सर्जित हो सकता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिगर। क्वेश्चन नंबर 28, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है जी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बाइल बॉक्स है जी। क्वेश्चन नंबर 29, एक मानव जीव में औसतन कितनी संवाद कलिकाएं मौजूद होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2000 से लेकर 8000। क्वेश्चन नंबर 30, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक खालिस्तान मीटर लंबा होता है? कितने मीटर लंबा होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 9 मीटर लंबा होता है। क्वेश्चन नंबर 31, किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अंतर्ग्रहण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को खालिस्तान गति कहा जाता है? कैसी गति कहा जाता है बच्चों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मकुंचन गति। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा मानव आहार नली का भाग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायु कोशिका। मुख गुहिका पिता से बड़ी आंत यकृत अग्नाशय मानव आहार नली के भाग होते हैं। दोबारा रिवाइज कराता हूँ, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आपकी मुख गुहिका पिताशय बड़ी आंत यकृत अग्नाशय मानव आहार नली का भाग होता है, जबकि आपका वायु कोशिका फेफड़ों में पाई जाती है। ठीक है जी, यह श्वसन तंत्र का भाग होती है। सेम क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 35, लार में खालिस्तान एंजाइम होता है? लार में कैसा एंजाइम होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एमाइलेज। कौन सा होता है जी? एमाइलेज। बच्चों मनुष्य की लार में ना लगभग 99% जल तथा शेष 1% एंजाइम होते हैं। लार में प्रमुख दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, नंबर एक टाइलिन, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। नंबर दो होता है आपका लाइसोजाइम। दूसरा एंजाइम को तो कौन सा होता है? लाइसोजाइम। टाइलिन को ना बच्चों एमाइलेज के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है जी? जो भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज शर्करा में अवघटित करता है, और जो आपका लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम नामक एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को ना नष्ट करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 36, एंजाइम टाइलिन खालिस्तान में पाया जाता है? कहीं में पाया जाता है बच्चों? एंजाइम टाइलिन किस में पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लार। क्वेश्चन नंबर 37, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है कहीं में? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज में। क्वेश्चन नंबर 38, पित्त के कार्य को खालिस्तान कहा जा सकता है? क्या कहा जा सकता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पायसीकरण। क्वेश्चन नंबर 39, अग्नाशय रस में मौजूद खालिस्तान एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है, कौन सा करता है जी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रिप्सिन। क्वेश्चन नंबर 40, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका खालिस्तान होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वसा का पायसीकरण करने की। क्वेश्चन नंबर 41, मनुष्य में पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसे SCL भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 42, SCI दंत एनामेल किससे बने होते हैं? क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी,
कैल्शियम फास्फेट के। क्वेश्चन नंबर 43, गले में खालिस्तान के छल्ले मौजूद होते हैं। राइट आंसर होगा एक नंबर, ऑप्शन नंबर ए, उपास्थि के। क्वेश्चन नंबर 44, लार ग्रंथि में खालिस्तान एंजाइम स्त्रावित होता है। ऑप्शन नंबर डी, एमाइलेज। क्वेश्चन नंबर 45, मानव पाचन तंत्र में खालिस्तान से पित्तरस का स्त्राव होता है। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यकृत। क्वेश्चन नंबर 46, भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 47, खालिस्तान को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, कैसी बच्चों? राइट आंसर 47 का होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज को पचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 48, यकृत खालिस्तान का कार्य क्या है बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पाचन। क्वेश्चन नंबर 49, खालिस्तान में मांसपेशियों के वैल्यबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है, किसके स्वरूप बच्चों? 49 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय में मांसपेशियों के। क्वेश्चन नंबर 50, दंत वल्क या टूथ इनामल से बना होता है जो एसिड से नष्ट हो जाने के पर दांतों के क्षय का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, कौन सा होता है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम फास्फेट का। क्वेश्चन नंबर 51, मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है, कौन सा है बच्चों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रसनी। ये प्यारे बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।